आदमी को धक्का दिया। किसको? आपने रियाज मोहम्मद को धक्का दिया? एक बार था उसको धक्का दिया साइड में, लेकिन उसने मेरे ऊपर वार करा तो खाली चला गया। दूसरा वार उसने पीछे से ईश्वर गौड़ को बाहर निकलते हुए पीछे से वार करा तो उनके सिर में चोट आई और पीछे कंधे पर चोट आई। अच्छा, पर आप लोग डरे हुए थे उस समय बहुत ज्यादा? क्या सर, बहुत हाथ पैर फूल गए थे, उनका हथियार इतने बड़े बड़े हथियार थे सर। और फिर मैं ईश्वर गौड़ को साइड में मेहता केमिकल के अंदर ले गया और उनके सिर पर कपड़ा बांध के जब उसको वापस बाहर आया जब तक इस कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या हो चुकी थी सर। तो पहली बार है राजकुमार शर्मा कैमरे के सामने आए हैं, कह रहे हैं कि बता रहे थे कि किस तरह से निर्मम हत्या हुई कन्हैया लाल की। कैमरे के सामने जब वो फिल्म कर रहे थे पूरे वाकयात को, तो सुनियोजित तरीके से कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले रेकी की थी। क्या कभी दुकान के आसपास वो लोग पहले दिखे थे? नहीं सर, पहले तो दिखे नहीं थे वो, लेकिन इक्के दुके सर जाते आते देखते जरूर थे कोई। ये कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले एक आदमी उनके साथ, एक बुर्का पहनी हुई महिला, वो दुकान में आए थे, उन्होंने कन्हैया लाल को धमकी दी थी। क्या ये सही है? आपके सामने हुआ था? सही है, ये बिल्कुल सही है। क्या सर हुआ था उस? उन्होंने उनको धमकी दी थी कि मैं, तुमने हमारे मोहम्मद को गाली दिए तो हम तुम्हारा गला काट देंगे, ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला था। उस आदमी को आप जानते थे? पहले कभी देखा था? पहले कभी नहीं आया था सर। क्या वो नाजिम था जिसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो जो धमकी देने आया था वो नाजिम नहीं था सर। तो ये बताएं कि जब वो पूरा वाकयात हो रहा था उस समय आप लोग बाहर आए चिल्लाते हुए, क्या कोई मदद के लिए आया आप लोगों के आसपास? आसपास दुकानें सब बंद रहती है, खाली एक दुकान खुली थी नीचे लेटेस्ट टेलर करके, वो उस दुकान दो मेंबर थे तो दोनों भी भाग गए थे। ये किस समय का, क्या वो डर के भागे थे? डर के भागे थे सर। किस समय का वाकया था ये? ये 3 बजे के आसपास का वाकया सर। तो आसपास की दुकानें बंद क्यों पड़ी हुई थी? वो सर कोरोना काल से बंद है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब वो चोटिल हो चुके थे, जब उनका खून बह रहा था कन्हैया लाल के, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया? क्या आपने उनकी जान बचाने की कोशिश की? सर, जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उन्होंने हमारे ऊपर भी वार करा था, लेकिन मैं तो बच गया सर, लेकिन पीछे से जो मेरे बाद में जो थे उनके चोट लगी सर। आप बता रहे थे ईश्वर को आप अस्पताल लेकर गए? पर मैं उनके सर पे कपड़ा बांधा। अच्छा। और मैंने पास में एक, जो बाद में जो लड़के आए, भीड़ इकट्ठा हुई, तब मैंने उसको, अभिषेक नाम का एक लड़का, उसको बोला तू इनको तो एक बार हॉस्पिटल ले जा, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा सर उस हालात में। राजकुमार जी, ये बताएं कन्हैया लाल का खून बह रहा था, शरीर पर कई जगह वार थे, कहा जा रहा था कि 26 जगह वार हुए थे, उसमें से 8 से 10 जगह गर्दन पे वार हुए थे, तो आपको लग रहा था क्या कि उम्मीद है कुछ बचे होंगे? आपने कोशिश की उनको अस्पताल ले जाने की? जब तक बाहर आए थे जब तक बचे हुए थे सर, लेकिन मैं जब ईश्वर गौड़ को अंदर ले गया उसके बाद मैं उनको देखने के लिए जैसे ही बाहर आया, जब तक पब्लिक भी आ चुकी थी तो सर जब तक वो हत्या हो चुकी थी। उसके बाद आपने क्या किया? क्या परिवार को बताया, कॉल किया किसी को? सर, सब भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने एक दूसरे ने फोन लगाना चालू कर दिया सर उस समय। तो वहां पर इन्होंने कुछ नारेबाजी भी की थी क्या? जो ये दो लोग आए थे इन्होंने कुछ ऐसा कुछ नारा भी दिया था क्या, और कुछ कहा था क्या कि इसलिए कत्ल कर रहे हैं वहां पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना सर। तो वहां से कत्ल करने के तुरंत बाद ये लोग फरार हो गए बाइक पर? जी सर, उसी बाइक में, जिस बाइक में आए थे उसी बाइक से ये लोग नीचे उतर गए थे। आसपास कोई भी, किसी ने भी मदद करने की कोशिश? कोई नहीं सर, 2-3 लेडीज थी, उन्होंने चिल्लाया भी था, लेकिन वो चैनल गेट जो पास में हमारे दुकान के वहां से चैनल गेट से चिल्लाई भी थी 2-3 लेडीज, लेकिन कोई आया नहीं था सर। कहा जा रहा था कि कन्हैया लाल पहले कुछ ऐसा पोस्ट करते थे, उनके बेटे से एक बार गलती से कुछ शेयर हो गया जिसकी वजह से ये सारा जो मामला जो है, इस उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई, उसके बाद उनके उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी जान तक चली गई। तो क्या कुछ कन्हैया लाल आपको कहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जिसकी वजह से ऐसी धमकियां मिल रही हैं? वो हमको बताते थे सर कि गलती से पोस्ट हो गई है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे से पोस्ट हुई या मेरे बच्चे से पोस्ट हुई, ऐसा उन्होंने, उनको भी खुद को मालूम नहीं था। धमकियों के बारे में कुछ कहते थे कि धमकियां मिल रही हैं, इस तरह से कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे? मार देंगे सर, ये देखने में आया था सर कि इनके मोबाइल व्हाट्सएप पे इनका फोटो लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था ये इस कुत्ते को ध्यान से देख लो, इसने अपने भगवान को गाली दी है। किसके किसके व्हाट्सएप पे लगा? व्हाट्सएप हर मुसलमान के व्हाट्सएप में था सर। आप किसके बारे में कह रहे हैं, मोहम्मद रियाज के फोन में लगा हुआ था या किसी और के? नहीं सर, ये इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कोई ग्रुप बना हुआ था इनके ग्रुप में बना। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ग्रुप बनाकर उन्होंने व्हाट्सएप में फोटो डाली थी कि कन्हैया लाल को देख लो, फोटो डाल रखा था कन्हैया लाल का, जब ये हत्या नहीं उससे पहले फोटो डाल रखा था। तो आपका मतलब है उस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए
रियाज मोहम्मद और मोहम्मद गौस को हो सकता है भड़काया गया हो इस तरह से, ये जो सारा इंडोक्ट्रिनेशन की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप में किसने डाला फोटो ये अभी तक मालूम नहीं है सर, बाकी व्हाट्सएप में सब ये जितने भी इनके लड़के हैं ना सर, इनके भी व्हाट्सएप में फोटो है और लिखा हुआ है इनके लड़के हैं, ये जो भी लड़के मोहम्मद इनके जो भी लड़के हैं इनके व्हाट्सएप में। ये आपको किसने कहा है? ये मैंने देखा है सर। आपने खुद देखा है सर? ये बताएं कि कन्हैयालाल जी के यहाँ पे आप कितने समय से कार्यरत थे, क्या कुछ आप काम करते थे वहाँ पे? मैं सर 8 साल से काम करता हूँ और पेंट कारीगर हूँ। पेंट कारीगर हैं, तो कन्हैयालाल जी को आप किस तरह से देखते थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे? बहुत अच्छे इंसान थे सर, उनसे किसी का कोई दुश्मनी, किसी से कोई लेना देना नहीं था सर, और अपने रास्ते आना अपने रास्ते जाना, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कभी कोई किसी से गलत बात नहीं। नहीं सर। तो ये बताएं कि जो जिस निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई, आपको क्या लगता है कि जो पूरा बवाल खड़ा हुआ उसके बाद क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, या इंसाफ कैसा हो सकता है आपके हिसाब से? सर सजा तो इनको मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए सर, वैसे तो देखा जाए तो इनको। राजकुमार जी आप यहाँ पे इस समय घर में बंद हैं, कई दिनों से आप शायद घर से बाहर नहीं निकले हैं, पुलिस का पहरा है यहाँ पे, ये बताएं आपको खुद को भी अपने परिवार के लिए अपने लिए जान का खतरा? सर मेरे को ये अब टेंशन है सर कि मैं उस दुकान पे काम करता हूँ, दूसरा ये मेरा पार्ट टाइम डिलीवरी का काम है सर, जो मेरे को पूरे उदयपुर में घूमना पड़ता है। वो आप दुकान पे रहने के अलावा करते थे? हाँ वो 7-7:30 बजे बात करता हूँ, लेकिन सर अब मेरे तो दोनों तरफ से मेरे हाथ कट गए समझो। अब आप नहीं जा पा रहे कहीं पे भी? सर, मैं कहीं और इधर मेरे 24 घंटे पुलिस सुरक्षा में बैठा हूँ सर, आज मेरे घर पे क्या है क्या नहीं किसी ने आके आज तक ये नहीं पूछा सर कि मेरे घर में क्या हो रहा है। कोई किसी प्रकार की आर्थिक मदद की सरकार की तरफ से कुछ आपको वायदा नहीं किया गया, जिस तरह से ईश्वर का कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले हैं 5 लाख रुपए की बात कही गई परिवार के लिए जो कन्हैया लाल के, उनके लिए 50 लाख रुपए की, आपको कुछ किसी ने नहीं बात की? सर किसने मदद तो छोड़ो सर, हाल तक नहीं पूछा फिर। तो आप कब से घर से बाहर नहीं निकल पाए? सर जब से मर्डर हुआ जब से मेरे पास 24 घंटे पुलिस रहती है सर। आपको बाहर जाने से मना किया हुआ? मना करता सर, अब मैं सर कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चा सर दो। आपको लगता है, आपको लगता है कि उस दिन अगर वो दुकान नहीं खुलती तो शायद अलग ही कुछ माहौल होता? कई बार लगता है क्या कि जो हुआ वो बहुत ज्यादा मतलब गलत हुआ जिस तरह से हुआ? जी सर गलत तो हुआ ही सर, अब मेरे को कोई दूसरी दुकान में बिठाएगा नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये, और मैं स्विगी का काम करता हूँ तो स्विगी में अब जगह जगह जा नहीं सकता हूँ। ये बताओ इलाकों में जाना पड़ता है मेरे को, क्या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, किसी भी जिला प्रशासन के रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे बात नहीं की? कोई नहीं आया सर आज तक, ये पूछने तक नहीं आया क्या राजकुमार क्या खा रहा है क्या पी रहा है, पूरे महीने की तनख्वाह बाकी है सर, और अब उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते सर, किस हालत में उनसे कहूं कि मेरा पेमेंट बाकी है? आप बता रहे थे मुझे कुछ टाइम पहले कि आपके घर में लड़की की शादी होने वाली थी, कन्हैया लाल जी ने आपको ये तक कहा था कि 2-3 लाख रुपए आपकी पत्नी बता रहे थे कि हेल्प करेंगे, उन्होंने ये खुद आगे के बोला सर मेरे को कि 1 महीने पहले बता देना तो मैं जो भी मेरे से होएगा तो मैं आपको मदद करूंगा, और मदद बेटी की शादी होते तो मदद करते सर। ये बताएं कि अब जिस प्रकार से उनका परिवार व्यथित है, वो चले गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि क्या लगता है कि इंसाफ हो पाएगा, जो सारे जितने भी दोषी हैं वो पकड़े जा सकेंगे, पुलिस NIA जो है वो जुटी हुई है, जांच जो जिस तरह से हो रही थी, जो बातें मीडिया में आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सर देखो आप कह रहे हैं सर, हम तो खाली अखबार में पढ़ रहे हैं सर, के करके पकड़ रहे हैं, अब कितने पकड़े क्या है कहाँ है ये तो अब सर हमको मालूम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं सजा दिलाएंगे आपकी सिक्योरिटी रहे सर। अब मैंने उनको जब ये बात बोली कि मैं सर स्विगी में काम करता हूँ, मैं दूसरे से तो मेरे को खाली इतना ही सांत्वना देते हैं सर कि आप टेंशन मत करो, हमारा सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी। क्या सर सिक्योरिटी पूरी उदयपुर में मेरे साथ दौड़ेगी, क्या सर स्विगी के साथ दौड़ेगी मेरे साथ? राजकुमार जी एक बात कही जा रही थी कि जो दुकान जिसमें आप और कन्हैयालाल जी इकट्ठे काम करते थे वहां पर CCTV कैमरा लगा हुआ था, क्या ये सही है, क्या वो उस समय फंक्शन कर रहा था? जी सर चालू है, 24 घंटे चालू रहता सर वो कैमरा। जी सर उसकी फुटेज कहाँ होगी आपके हिसाब से? उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली है सर और उनके पास रखी हुई है, पर कहा जा रहा था कि वो परिवार ने बोला है कि शायद उस दिन वो कैमरा खराब था। नहीं खराब नहीं है, काम नहीं कर रहा, नहीं चालू है सर, चालू था वो। तो आप
आपको लगता है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें सारा जो उनकी एंट्री है, जिस तरह से उन्होंने जानलेवा हमला किया, जिस तरह से वो वहां से भागे, वो सारा रिकॉर्ड हुआ होगा? जी सर। ये बताएं आखिरी सवाल आपसे कि आप कह रहे थे कि अब आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे, कोई आपको रखेगा नहीं, जिस तरह से आर्थिक तंगी से अब आपको लगता है कि आपको गुजरना पड़ेगा, क्या आप कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, राजस्थान की सरकार से, जो कुछ हुआ उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, या तो मुझे भी कहीं ऐसी नौकरी दो जो सुबह जाऊं और शाम को आ जाऊं, या फिर मुझे नहीं तो मेरे दो बच्चे सर, मैं आर्थिक संकट पहले से मैं कर्जा हो रुका, मेरी वाइफ बीमारी से उठी है सर, सब कुछ खाली हो गया है सर बिल्कुल, और काम करने की स्थिति में अब मैं रहा नहीं हूँ, इधर उधर कहाँ दौड़ूंगा सर, अब डर लगता है। अब ऐसे आप इनका शायद चेहरा नहीं देख पा रहे, पर जिस तरह से जो व्यथा इनसे गुजर रहे हैं, घर पर सुरक्षा का पहरा लगा दिया गया है, इनको घर से बाहर जाने की मनाही है, और जो कुछ आप बीती इन्होंने सुना ही, उससे सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी की मौत के बाद कई परिवारों पे मानो आपदा टूट पड़ी है, और सरकार को ना केवल जल्द से जल्द दोषियों को सजा जो है वो दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, पर जो परिवार कन्हैया लाल का है और कन्हैया लाल से जुड़े हुए परिवार हैं, उनकी आर्थिक मदद को लेकर भी विचार करना चाहिए और उस तरफ काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, उदयपुर आज तक।